नमस्कार, बीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जांच एजेंसियों के बारे में भाजपा को जानकारी कैसे मिलती है, नाना पटोले का भाजपा को तीखा सवाल। गर्मी कर रही हलाकन, कूलर दे रहे ठंडक, बढ़ती गर्मी में बड़ी कूलरों की डिमांड। और प्लास्टिक कारखाना बन रहा है नागरिकों के लिए मुसीबत का सबब, कारखाने से निकलने वाले धुएं से नागरिकों हो रही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। अब खबरें विस्तार से। जांच एजेंसियों के बारे में भाजपा को जानकारी कैसे मिलती है, ऐसा सवाल खड़ा करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में मातोश्री को और महाराष्ट्र को बदनाम करने की भाजपा साजिश कर रही है, लेकिन भाजपा को उसे बंद कर देना चाहिए क्योंकि लोगों को इन बातों से ज्यादा विकास की बातों में रुचि है। मुझे ये नहीं पर समझ में आता कि ये तपास यंत्रणा जो है इसकी माहिती ये बीजेपी के पास कैसे पहुंचती है, और तपास यंत्रणा का जो कंट्रोल है बीजेपी के स्थानिक लोगों के पास जो इस बात के मीडिया के सामने बात करते हैं, खरा तो ऐसा लगता है कि मुझे बीजेपी की एक साजिश है। महाराष्ट्र में मातोश्री को भी बदनाम करो, महाराष्ट्र की सरकार को भी बदनाम करो और महाराष्ट्र को भी बदनाम करो, ये बीजेपी की साजिश है। और इस साजिश में अब महाराष्ट्र की जनता भी ये सब बातों को रोज़ भ्रष्टाचार के आरोप इसके बारे में अब लोगों को भी अब बहुत कोई रुचि रही नहीं, और ऐसे समय में बीजेपी ने ये काम बंद कर देना चाहिए और विकास के महाराष्ट्र कैसे आगे जाएगा इसके अब चर्चा होना चाहिए। ये बात हम कांग्रेस के और से उनको बताना चाहते हैं। होली के त्योहार के बाद ही गर्मी ने अपना तांडव दिखाना शुरू कर दिया है। शहर में दिन प्रतिदिन गर्मी के ग्राफ में इजाफा देखने को मिल रहा है। वहीं बढ़ती गर्मी में कूलर और ठंडे पानी के मटकों को भी डिमांड बढ़ने लगी है, जिससे ग्राहकों का रुख कूलर और ठंडे पानी के मटकों की दुकानों की ओर ज्यादा हो रहा है। शहर में दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ती जा रही है। सोमवार को भी शहरवासियों को जबरदस्त गर्मी का एहसास हुआ। अलग अलग दिशा से आ रही हवा के कमजोर पड़ने से पारा ऊपर चढ़ रहा है। तापमान बढ़ने से हीट वेव की स्थिति बनने का खतरा है। जैसे ही गर्मी के ग्राफ में इजाफा होता है वैसे ही कूलर और ठंडे पानी के मटकों की बिक्री में भी इजाफा देखा जाता है। भले ही एसी और रेफ्रिजरेटर ठंडी हवा और ठंडा पानी देती है, लेकिन गर्मी के मौसम में सुकून कूलर और ठंडे पानी के मटकों से ही मिलता है। वहीं ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होता और आम आदमी के बजट में भी आता है, जिससे ग्राहकों का रुख कूलर और ठंडे पानी के मटकों की दुकानों की ओर ज्यादा हो रहा है। रोशन बोकड़े के साथ दिशा हटवार। शहर के प्रेमनगर इलाके में एक अवैध प्लास्टिक कारखाना है। कारखाने से निकलने वाले धुएं की वजह से नागरिकों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, ऐसा खुद परिसर के रहवासियों का कहना है। वह इस बारे में मनपा स्वास्थ्य विभाग और इलाके के पार्षदों को अवगत कराने के बाद भी वो इस समस्या पर ध्यान नहीं दे रहे, जिसके चलते नागरिकों की समस्याएं उसमें भी खास तौर पर उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में इजाफा हो चुका है। तो ये संपूर्ण माजरा क्या है आइए देखते हैं। प्लास्टिक से होने वाली समस्याओं से तो हम पहले से ही अवगत है, उसमें भी अगर हम बात करें प्लास्टिक फैक्ट्री की तो उससे निकलने वाले धुएं से तो समस्या में और दोगुना इजाफा हो जाता है। ऐसी ही कुछ परेशानियों से फिलहाल शहर के प्रेमनगर इलाके के नागरिकों को जूझना पड़ रहा है। नागरिकों से प्राप्त जानकारी के अनुसार इलाके में एक व्यक्ति द्वारा अवैध प्लास्टिक पिघलाने वाले कारखाने का निर्माण किया गया है, जहाँ प्लास्टिक को जलाकर पिघलाया जाता है, जिसके कारण बड़ी संख्या में कारखाने से धुआं और बदबू निकलती है, जो वर्तमान स्थिति में इलाके के निवासियों के लिए मुसीबत का सबब साबित हो रहा है। रहवासी इलाका होने से यहाँ सभी उम्र के लोग रहते हैं, जिसके चलते हर किसी को साथ संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इलाके के नागरिकों द्वारा मनपा स्वास्थ्य विभाग और परिसर के पार्षदों को अवगत कराने के बाद भी वो इस समस्या पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे नागरिक और ज्यादा त्रस्त हो चुके हैं
आइए खुद नागरिकों से उनकी दास्ता सुनते हैं। मला तुमचं नाव सांगा आणि तुम्हाला काय प्रॉब्लेम आहे इथे त्याबद्दल सांगा। माझं नाव ममता रामटेकर आहे। मी जस्ट हे नारायणपेठ प्रेमनगर कुंभारपुरामध्ये राहते। हा आमच्या घराच्या समोर प्लास्टिकचा कारखाना आहे। तिथे ना मास्क आणि अजून अवैध वस्तू राहते, त्या तिथे घालवल्या जातात। पण त्याचा आम्हाला दुर्गंध इतका येतो की आम्ही सहन नाही करू शकत। आम्हाला त्याच्यामुळे श्वास घ्यायला प्रॉब्लेम होते आणि आमच्याकडे छोटे छोटे मुलं आहेत, त्यांचा काही सांगता येत नाही। तर आम्हाला याच्यामुळे खूप प्रॉब्लेम होत असतो नेहमी। लोकांना तर आता बिमारी सांगून तर नाही होणार आहे, कुणाला श्वास घ्यायचा। आता मला श्वास घ्यायला खूप प्रॉब्लेम होते, मला डोकं दुखतं, गळ्यामध्ये असं खसखस होते। आता काय काय प्रॉब्लेम सांगणार आहे? आणि छोटी मुलं तर काही सांगू शकणार नाही ना त्यात मग। आणि कुठल्या वेळेस काय होईल हे काही सांगता येणार नाही आहे। आता मला आज बरं वाटत आहे आणि उद्या चालून दुसरं काही झाले। आम्ही कंप्लेंट गेलो होतो आमच्या महानगरपालिकेमध्ये वगैरे नाही गेलो, आमचे मेंबर आहेत ना त्यांच्याकडे सुद्धा गेलो आम्ही, पण अजूनपर्यंत काही झालेलं नाही आहे। पुलिस स्टेशन वगैरह सब झाले। मैं शाहू प्रेमनगर नारायणपेठ नागपुर यहाँ रहती हूँ। हमारे घर के सामने अवैध प्लास्टिक का कारखाना है, वहाँ से दुर्गंध आती है, कई बीमारियाँ हो सकती है बुजुर्ग छोटे बच्चों को। उसको बोलने जाते हैं तो वो गाली गलौज करता है, धमकियाँ देता है कि तुमसे जो होता तुम करते बैठो, लेकिन मैं अपना प्लास्टिक का कारखाना बंद नहीं करूँगा, ऐसी धमकियाँ देते हैं। हमने बहुत बार कंप्लेंट्स किए, पुलिस स्टेशन गए हैं, नगर सेवक के पास गए, लेकिन इसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है। जैसे आते हैं तो वो गायब हो जाता है, दो तीन दिन घर में रहता ही नहीं, कारखाना बंद हो जाता है, फिर उसको यानी पकड़ नहीं पाते हैं। इस वजह से वो अपना और डेयरिंग बढ़ाते रहता है, कारखाना चालू ही रखता है। और पुलिस में कंप्लेंट करे तो एक दो बार कंप्लेंट्स कर चुके हैं, यानी अर्ज दिए हैं, अर्ज के ऊपर से कुछ हुआ नहीं अभी तक। वैसे ही उसका प्लास्टिक का, पहले प्लास्टिक जलाता था हम बोलते थे, अभी उसने कोरोना के मास्क लाए हैं और हॉस्पिटल के कुछ ऐसे प्लास्टिक्स वगैरह जो भी है वो लाए, उसे वो मिलाता है यानी उसको ये करता है, मशीन से पिघलाता है, और वो जो उसकी दुर्गंध आती है उससे कितनी बीमारियां जंतु बाहर निकल आते हैं और छोटे बच्चों को बहुत हानिकारक है वो। इस सब चीज़ें हमको बस हमारे एरिया में कारखाना नहीं होना है, बाहर तुमको जहाँ भी रखना है वो कारखाना वो खोल सकते हैं। शाहू सर, यहाँ अवैध रूप से प्लास्टिक का कारखाना बहुत भारी मात्रा में चल रहा है और यहाँ पे जो है दुर्गंध जो फैल रही है, ये वेस्टेड जो कोरोना के मास है वो यहाँ ला के जला रहे हैं। यहाँ पे हमको जो मास्क का जो पॉल्यूशन होता है वो गले में छाते में हो रहा है, उसके वजह से इनके पॉल्यूशन के वजह से मेरे घर में एक पेशेंट पड़ा है जिसको को कैंसर हो चुका है, एक छाती का कैंसर हो चुका है वो पेशेंट को। और ये कैसा ये कारखाना ये एरिया में तो होना चाहिए नहीं चाहिए, ये इंडस्ट्रियल एरिया में होना चाहिए। नहीं तो इसका ये कितने सालों से चल रहा है? और सर ये तो बहुत जमाने से चल रहा है, यहाँ के लोग कुछ बोलते नहीं है, ये डराता धमकाता है लोगों को, लेडीज़ों को बोलता है तुमको जो करना है कर लो, मैं तो कारखाना बंद नहीं करूँगा। और हम नगर सेवक को बोलने जाए तो नगर सेवक भी डरते हैं, उनसे कोई काम नहीं करता, क्रिमिनल है करके। ये लोगों के ऐसे फसवाड़े में किसके भी कानून के जरिए में किसके भी नाम डालता है, ज़बरदस्ती किसके भी, अगर भी अभी बीच में इन्होंने देखो ऐसी ज़बरदस्ती झाड़ लगा दिए, ये झाड़ लोगों के घर में जा रहा था उसको काटने का, तो लोगों की कंप्लेंट की है इन्होंने। इससे बहुत बीमारी हो रही है, पॉल्यूशन बहुत हो रहा है, हम रह नहीं सकते सर, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, एक एक महीने के दो दो महीने के बच्चे हैं। तो अगर इस पर अभी भी कार्रवाई नहीं होती तो आप आगे चल के क्या करेंगे, कुछ आंदोलन वगैरह करने का इच्छा है? अगर ये कारखाना बंद नहीं होता है आगे तो हम अपना आंदोलन कॉर्पोरेशन में जाएंगे या वार्ड मेंबर के घर में जाके उपक्ष बैठेंगे, ये हमारी तैयारी है आगे की। और वो नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ उपाय करेंगे ऊपर तक जाके, बस ये हमारी इच्छा है कि यहाँ से कारखाना बंद हो जाए, हमारा एरिया स्वस्थ रहे, सब कुछ अच्छा रहे। मुझे बताइए कितने सालों से आप यहाँ पर काम कर रह रहे हैं और क्या परेशानी यहाँ पर आपको है? मैं तो आई हूँ 40 साल हो गए मेरे को, 40 साल से यहाँ कारखाना खुला है, 40-50 साल होते हैं यहाँ कारखाना खुला है। इनके लिए बहुत सी लड़ाई हुई है पर ये लोगों ने माना नहीं है, डकर के कई बार मैंने रिपोर्ट भी डाली वहाँ, ये अपना आबा पांडे है ना उसको भी बुलाई, कई बार पुलिस भी आ चुके हैं पर किसी ने कुछ नहीं किया। फक्त आप थोड़ा सा अपने तरफ से सरकार तरफ से थोड़ा सा कृपा करिए का भाई ये कारखाना उठा ही जाए बस। हमको ये हमको बहुत परेशानी, मैं तो मरते मरते बची रे भैया, बहुत सीरियस हो गई थी मैं तो, मेरे को तो बहुत दूर ले गए ये लोगों ने, इतनी परेशानी थी कि क्या बताऊँ मैं। आज मेरे शरीर में ना बिल्कुल ढीलापन हो गया है और ये बदबू और ये गले ना में ना खसखस सी ये हो रही है। बता आज थोड़ा बहुत तुम करो, थोड़ा सा बस्ती में
और हमारी बस्ती बचाइए थोड़ा सा, और ये कारखाना नहीं चाहिए। इन नागरिकों में से एक एक खुद कैंसर पीड़ित भी है। हमने बात की तब उन्होंने बताया कि कारखाने से निकलने वाले धुएं के कारण उन्हें इस गंभीर समस्या से जूझना पड़ रहा है। बता दें कि यहाँ मास्क भी जलाए जाते हैं। रिहायशी इलाके में इस तरह का कारखाना रहना सरासर नागरिकों की जान के साथ खिलवाड़ है। हालांकि गौरतलब है कि नागरिकों को इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, फिर भी मनपा का स्वास्थ्य विभाग और इलाके के पार्षद चुप्पी साधे क्यों बैठे हैं, ये सोचने वाली बात है। सरकार की कर्मचारी विरोधी नीति के निषेध में पूरे देश में AIBA, AIBO और BFIE के बैनर तले हजारों बैंक कर्मचारियों ने सोमवार को कामकाज बंद रखकर निषेध दर्शाया। देश की अर्थव्यवस्था को संकट में लाने वाली नीति के खिलाफ कर्मचारियों ने नारेबाजी की। बता दें कि बैंक कर्मचारी 28 और 29 मार्च को हड़ताल पर है। निजीकरण ही सरकार का मुख्य एजेंडा है और इसमें बैंकिंग सहित अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्र का समावेश है। सरकार वर्तमान कामगार कानून और संहिता रद्द कर इनका विलीनीकरण चार श्रम कानूनों में किया है। इनमें से अधिकांश कानून कामगार विरोधी है। प्रदर्शन का नेतृत्व EMBEA के चंडील अय्यर अशोक अतकरे ने किया। ईस्टर्न महाराष्ट्र बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश बोभाटे के नेतृत्व में 500 से अधिक कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन एवं नारेबाजी की। बोभाटे ने कहा कि बैंकिंग के सार्वजनिक क्षेत्र की स्थिति कमजोर करने की दिशा में सरकार के बहुआयामी निर्णय के खिलाफ बैंक कर्मचारियों का आंदोलन 3 दशक से अधिक समय से जबरदस्त तरीके से चल रहा है। सार्वजनिक क्षेत्रों की बैंकों को बड़े पैमाने पर NPA का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें कॉरपोरेट की बड़ी भूमिका है। प्रदेश में बिजली की बढ़ती मांग ने महावितरण को चिंता में डाल दिया है। कंपनी ने इसके मद्देनजर ग्राहकों से सुबह एवं शाम को 6 से 10 बजे तक बिजली का कम उपयोग करने की अपील की है। कंपनी ने इस अपील के साथ भविष्य के बिजली संकट का स्पष्ट संकेत दिया है। कंपनी ने कहा है कि पिछले एक पखवाड़े से मुंबई को छोड़कर शेष राज्यों में बिजली की मांग 24,000 मेगावाट के करीब चल रही है। गर्मी को देखते हुए इसके 25,000 मेगावाट से अधिक होने की संभावना है। ऐसे में घरेलू, वाणिज्यिक, कृषि, औद्योगिक एवं अन्य ग्राहकों को सुबह 6 से 10 एवं शाम 6 से रात 10 बजे तक बिजली का सतर्कता से उपयोग करना होगा। कंपनी ने कहा कि मुंबई सहित पूरे प्रदेश में बिजली की मांग पहली बार 28,000 मेगावाट से अधिक हुई है। पिछले वर्ष की तुलना में इस 3600 मेगावाट की मांग बढ़ी है। उधर अक्टूबर से बिजली केंद्र कोयला संकट से जूझ रहे हैं। इस वजह से इन केंद्रों का उत्पादन 2 से 3 हजार मेगावाट कम हुआ है। ऐसे में कंपनी को बिजली खरीदी बढ़ानी पड़ी है। महाराष्ट्र राज्य बिजली कर्मचारी अधिकारी इंजीनियर 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल पर चले गए हैं। इस बात पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा नेता और पूर्व कृषि मंत्री अनिल बोंडे ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि MSEDCL का निजीकरण होने के विरोध में बिजली कर्मचारियों की ओर से हड़ताल की जा रही है, जिसके चलते बोंडे ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मांग की कि वो जाहिर करे कि MSEDCL का निजीकरण नहीं होगा। वही आगे बात करते हुए वे बोले कि हड़ताल और बढ़ने से पहले इस मामले में निष्कर्ष निकलना चाहिए, नहीं तो किसान और विद्यार्थियों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। साथ ही राज्य सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों और गरीबों की दुश्मन है। संपूर्णतः 2 दिवसापासून म्हणजे आसपासनं 2 दिवस संपावर आहे, परंतु हा जरी देशभर असला तरी महाराष्ट्रापुरती त्यांची मागणी आहे की महाराष्ट्रामध्ये या वीज महामंडळाचं खाजगीकरण होऊ नये, आणि ती मागणी अतिशय रास्त आहे। कारण की वीज पुरवणं, ती शेतकऱ्यांना स्वस्त दरात पुरवणं, मागासलेल्या भागामध्ये उद्योगांना कमी दरामध्ये पुरवणं, हे खरं जर पाहिलं तर शासनाचं कर्तव्य आहे। आणि त्यामुळं महावितरणचे कर्मचारी, महाऊर्जाचे कर्मचारी संपावर आहेत। त्यांचा संप पाठीमागे घेण्याकरता शासनाने ताबडतोब पाऊल उचललं पाहिजे आणि ताबडतोब जाहीर केलं पाहिजे। मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर करावं की महावितरणचं, महाऊर्जाचं आम्ही खाजगीकरण करणार नाही, म्हणजे त्यांच्या मनातली भीती निघून गेली पाहिजे। एवढाच त्यावर उपाय आहे। आणि माझी विनंती आहे मुख्यमंत्र्यांना की लोकांना अंधारात, गर्मीत या काळामध्ये विद्यार्थ्यांना परीक्षा द्यायची आहे, शेतकऱ्यांना ओलीत करायचं आहे, तर विद्यार्थ्यांच्या, शेतकऱ्यांच्या, उद्योगधंद्याच्या जीवाशी खेळू नका आणि या कर्मचाऱ्यांशी बोला, त्यांना खात्रीलायक सांगा की आम्ही खाजगीकरण करणार नाही, आमचा खाजगीकरण करण्याचा विचार नाही, आणि लोकांचे हाल थांबवा। आतापर्यंत STच्या संपामुळे ग्रामीण भागाचे मोठे हाल झाले आहे, आता महावितरणच्या संपामुळं हाल करू नका, लोक तुमचे हाल केल्याशिवाय राहणार नाही। उद्धवजी ठाकरे यांना फक्त मुंबईतल्या लेकराची फिकीर आहे,
अजित दादाला पश्चिम महाराष्ट्रातल्या लेकरांची फिकर आहे, ग्रामीण भागातल्या लेकरांची कुणालाच फिकीर नाही, आणि त्याच्यामुळं यांनी सरळ सरळ सांगावं की आम्ही खाजगीकरण करणार नाही, त्याच्यामुळं वीज कर्मचारी येतील आणि सगळ्यांच्या घरी उजेड पडेल, शेतकऱ्यांना कृषी पंपावर कृषी पंपाच्या माध्यमातून ओलीत करता येईल, परंतु यांचं सगळं उरफाट आहे, शेतकऱ्यांना वीज बिल माफ करू, लोकांना वीज बिल माफ करू, कोरोनातलं बिल माफ करू असं सांगितलं आणि कोरोना संपल्याबरोबर लाईन कापायला आले, शेतकऱ्यांची लाईन कापणार नाही असं सांगितलं आणि आता DP सुद्धा दुरुस्त करत नाही, विदर्भामध्ये तर नवीन DP मिळत नाही, आणि त्याच्यामुळं हे शेतकऱ्यांचं दुश्मन सरकार आहे, हे गोरगरीब माणसाचं दुश्मन सरकार आहे, आणि म्हणून उद्धव ठाकरेंना नितीन राऊतला ताबडतोब जाग आली पाहिजे आणि हा संप चिघळण्याच्या अगोदर त्यांना खाजगीकरण करणार नाही हे वचन दिलं पाहिजे। साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा का कुमार इन दिनों पूरी दुनिया में छाया हुआ है। ऐसे में अभी शहर में आयोजित एक्सपो में भी पुष्पा का फीवर दिखाई दे रहा है। नागपुर में विजन एक्सपो 2022 का आयोजन गायत्री महिला इंडस्ट्रियल एसोसिएशन और MSME द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, जहाँ विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में यहाँ फैशन शो का आयोजन किया गया था, जहाँ पुष्पा फीवर दिखाई दिया। आइए देखते हैं इस फैशन शो की कुछ झाकियाँ। तो कचारा जीवन है ये इंसानों का चारा, काली की पूजा। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। लव यू दीपिका। बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities। Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। ब्रेक के बाद फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। देश में लोगों को मानव कल्याण के विचार को भारत में जनता तक पहुंचाने के लिए पूरे भारत में 84,000 बुद्ध की मूर्तियों को वितरित करने का निर्णय गगन मलिक फाउंडेशन की ओर से लिया गया है। ऐसी जानकारी मंगलवार को आयोजित पत्रकार परिषद में गगन मलिक फाउंडेशन के नितिन गजभिये ने दी। इस अवसर पर बात करते हुए नितिन गजभिये ने कहा कि 7 अप्रैल 2022 को दीक्षा भूमि नागपुर में धम्म देशना कार्यक्रम में गगन मलिक उपस्थित रहेंगे। उन्होंने मुख्य रूप से धारावाहिक में रामकृष्ण की भूमिका निभाई है, इसलिए उन्हें प्रसिद्धि और सम्मान मिला है। उन्होंने बुद्ध फिल्म में तथागत की मुख्य भूमिका निभाई,
यह फिल्म भारत को छोड़कर अन्य बौद्ध बहुल देशों में एक बड़ी हिट थी। गगन मलिक ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार जीते। बुद्ध चित्र ने बुद्ध को समझने योग्य बना दिया। बुद्ध के धम्म के बारे में अधिक जानने के लिए उन्होंने पहले ही श्रमण जीवन का अनुभव किया था और उन्हें बुद्ध धम्म में दीक्षित किया गया था। मानव कल्याण के इस विचार को भारत में जनता तक पहुंचाने के लिए पूरे भारत में 84,000 बुद्ध की मूर्तियों को वितरित करने का निर्णय लिया गया। गगन मलिक ने मुख्य रूप से बौद्ध आबादी वाले देश में बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमाएं लगाने का फैसला किया है। हम कुछ लोग जो साथी गगन मलिक जी को काफ़ी दिनों से ऑब्जर्व कर रहे थे, वो तो पहले अभिनेता थे और बाद में श्रमण बने और उन्होंने भारत में भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ बांटने का जो संकल्प किया वो हमें अच्छा लगा। हम उनसे संपर्क में आए, उनको देखा, जांचा, परखा और उसके बाद में हमें ऐसा लगा कि इनका डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग है। भारत में बुद्ध धम्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए जो चाहिए वो जज्बा गगन मलिक जी के पास में है। ये जानते हुए और ये बातों को समझते हुए नितिन गजभिये जी और मैं और कुछ अन्य साथी जो है वो गगन मलिक जी से जुड़ गए हैं। हमने गगन मलिक फाउंडेशन की निर्मिति की है और उसके माध्यम से पूरे भारत में 84,000 बुद्ध मूर्तियों का हम वाटअप करने वाले हैं। ये सारी बुद्ध मूर्तियाँ अनेक बौद्ध राष्ट्रों से आने वाली है, जिसमें कोरिया है, कंबोडिया है, वियतनाम है, थाईलैंड है, म्यांमार है, श्रीलंका है। इन सारे देशों से आई हुई मूर्तियाँ जो दान करते हैं वहाँ के लोग, ये सामान्य जन समुदाय को जो भारत में विविध प्रांतों में रहते हैं उन सबको देने का कार्यक्रम चालू किया है। उसके साथ ही बहुत बड़ा महत्वपूर्ण आने वाले 14 अप्रैल को जो हम सब लोग जो बाबा साहब को मानते हैं, जो विश्व रत्न है और जो आधुनिक बोधिसत्व हैं, उनकी खुद के ब्रांज के पुतले तकरीबन 12 फीट के बौद्ध राष्ट्रों के जो महत्वपूर्ण केंद्र है, जो शिक्षा के केंद्र है तथा बड़ी बड़ी मोनेस्ट्री है, उसमें स्थापित करने का संकल्प गगन मलिक जी का है। तो हम गगन मलिक फाउंडेशन के तरफ से गगन मलिक जी का इस 7 अप्रैल को दीक्षा भूमि में स्वागत करेंगे तथा हमारे साथ में ही उस दिन के उपलक्ष में बहुत सारे जो भिक्षु है, जो गणमान्य भिक्षु है, वो हमें दम्मदेशना भी देंगे। साथियों, आप सबसे विनती है कि आप इस कार्यक्रम में जरूर आइए। धन्यवाद। जय भीम। उन्होंने आगे बताया कि वे 6 अप्रैल को ड्रैगन पैलेस मंदिर और 7 अप्रैल को दीक्षा भूमि में नागपुर जाएंगे। रोशन बोकड़े के साथ दिशा हटवार। चेट्रीचंड सिंधियत दिवस सिंधी समाज के इष्ट देवता वरुण अवतार झूलेलाल जी का 1072वां जन्मोत्सव नववर्ष के रूप में 1 अप्रैल एवं 2 अप्रैल को बड़ी धूमधाम से गांधी सागर झूलेलाल मंदिर परिसर पर सिंधु झूलेलाल वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में महंत ठाकुर मोहनदास के सानिध्य में प्रातः 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक मनाया जाएगा। इस विषय पर आयोजित पत्रकार परिषद में महंत मोहनदास ठाकुर एवं अध्यक्ष रमेश जेसवानी ने जानकारी दी कि महोत्सव का शुभारंभ शुक्रवार 1 अप्रैल संध्या 5 बजे महंत ठाकुर नाव रमेश जेसवानी, मी अध्यक्ष आपले सिंधु झूलेलाल वेलफेयर सोसायटी झूलेलाल मंदिर चा आहे। सगळ्यांना तर मला माहिती आहे की येणारे 1 आणि 2 तारीखला आपले इष्टदेव श्री झूलेलाल मंदिर झूलेलाल भगवानचा जन्मोत्सव सिंधियत दिवस एक चांगल्या रूपाने पूर्ण विश्वामध्ये आपण साजरा करीत आहेत। गेलेल्या 3 वर्षापासून कोविडमुळे आपण कुठल्याही प्रकारचा कार्यक्रम इथे आयोजित करू शकले नाही, कारण की महामारी होती। त्यामुळे ह्या वर्षी येणारे 1 आणि 2 तारीखला आपला कार्यक्रम आपण करायचा ठेवलेला आहे। 1 तारीखला संध्याकाळी 5 वाजता हा कार्यक्रम आपला सुरू होईल। त्यामध्ये सगळे आपले समाजचे बाळ आहे, बंधू आहे, महिला आहे, त्यांचे पूर्ण कार्यक्रम होतील। व्यंजन स्पर्धा, फॅन्सी ड्रेस प्रतियोगिता, नाटक, त्यामध्ये सगळं भागी होऊन संध्याकाळी ते रात्री 10 वाजता ते कार्यक्रम समाप्त करतील। मग दुसऱ्या दिवशी 2 अप्रैलला, ज्या दिवशी आपले इष्टदेव झूलेलालचा जन्मोत्सव आहे, सकाळी 6 वाजेपासून जे आपला मंदिर आहे त्यांची महाजलाभिषेक महापंचामृतद्वारे त्यांचे अभिषेक होऊन आणि त्यानंतर भैराणा साहेबची पूजा 9 वाजता होणार आहे। 9 वाजताची भैराणा पूजामध्ये आपले गणमान्य अतिथी जे राहतात त्यांच्या हाताने ते पूजा होईल। मग 10:30-11 वाजेपासून संध्याकाळचे 4 वाजेपर्यंत सतत आपला महाप्रसाद लंगर पूर्ण जनतेसाठी चालू राहते। त्यानंतर दरवर्षाप्रमाणे 5 वाजता आपण शोभायात्रेचा मिरवणूक काढतो, पण मिरवणूक यावर्षी न काढल्यामुळं बाकीचे कार्यक्रम सांस्कृतिक जे आहे, नाटक आहे, त्यामध्ये पथक आहे, शेज नृत्य आहे,
फटाका शो आहे ते सगळ्या बंदरामध्ये सुरू होतील. ते रात्रीचे 10, 10:30, 11 वाजेपर्यंत चालणार आहे आणि परत 11 वाजता परत आपण झुलेलाल महोत्सव आपण ते पल्लव आणि जे आपण अरदास म्हणतो पूजा करून भैरवनाथाचं विसर्जन करणार आहे. प्रथमेक टँकमध्ये त्यानंतर आमच्या कार्यक्रमाची समाप्ती होईल. हे आपले कार्यक्रमची जन्मोत्सवाची 1 आणि 2 तारीखची रूपरेखा आहे. आणि आम्हाला एक विश्वास आहे की गांधीसागरच्या सौंदर्यीकरण सुरू असल्यामुळं आमचा असा विचार आहे की ह्याचं नाव एक सिंधी समाजाला झुलेलाल गांधीसागर म्हणून द्यावं. आम्ही असा एक प्रस्ताव पास केलेला आहे आणि ते आपण शासनाला एक मागणी करणार आहोत की ह्यातला आपला नाम देऊन आम्हाला पुरे सिंधी समाजाला एक विश्वमध्ये हे उपकृत करावे अशी आमची एक इच्छा आहे. आपले पत्राच्या माध्यमातून ते तुम्ही आमचं नाव वर करा आणि त्यांना देण्याची कृपा करावी. झुलेलाल गांधीसागर मध्य भारतच्या नाही पूर्ण विश्वामध्ये एकच आपला मंदिर आहे जे आपला इथे स्थापित आहे जलचे किनारे. 1 और 2 तारीख को जो कार्यक्रम झूला मंदिर पे होने जा रहे हैं उसमें पहली तारीख को जो प्रोग्राम आपको बताए गए हैं उसका भी आपको ध्यान रखते हुए आपने देना ही है. और 2 तारीख को झूलेलाल जी वरुण देवता जो जल ज्योति के प्रतीक हैं उनका जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाए जाएंगे. अमृत वेले सुबह 6 बजे महाअभिषेक होगा, उसके बाद झंडा वंदन होगा, फिर बैरानी साहब और जल ज्योति की पूजा करते हैं, फिर सत्संग आदि प्रवचन होते हैं. उसमें हम वरुण देवता ने जन्म क्यों लिया उसकी महिमा बताते हैं. वो बताते हुए आरती वंदना करते पलव डाल के और देश में हरियाली छाई रहे, सबका भला होता रहे, सारा जीवन सुखमय रहे, सारा साल भी सारा सुखमय और सबके लिए बना रहे, इसी हम प्रभु की आगे प्रार्थना करते हैं. जय झूलेलाल. बीजेपी की बातों में क्या तथ्य है ये मैं आपको नहीं बता सकता. ऐसा कहते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि जो भी आज की स्थिति है उसमें भविष्य में कांग्रेस ही सबसे अच्छी पार्टी रहेगी. आगे बात करते हुए वे बोले कि कांग्रेस का इतिहास और भूगोल भी है जो आने वाले समय में लोगों को दिख ही जाएगा. बगल लोकशाहीला माननारी जी व्यवस्था है त्या व्यवस्थेला आम्ही मानतो आहे. बीजेपीला ते सुरुवातीला सांगतात की आमचे एवढे खासदार येणार, एवढे आमदार येणार. आखरी बीजेपी ज्या पद्धतीनं या लोकशाहीला न समजणारी व्यवस्था आज झालेली आहे आणि म्हणून जे काही वक्तव्य बीजेपीकडून येते आहे त्या वक्तव्यामध्ये काय तथ्य आहे मला आत्ता नाही सांगता येणार. पण एक गोष्ट तुम्हाला सांगतो की महाराष्ट्रामध्ये जी काय आज स्थिती आहे त्याच्यामध्ये पुढच्या काळामध्ये काँग्रेसच हा 1 नंबर पक्ष राहील. कारण की लोकांच्या भावना आता त्या आहेत. असं आहे की सरकार सरकार आहे, सरकार कोण चालवतं, उद्धव ठाकरेंचं सरकार महाराष्ट्रात आहे. विरोधकांना या गोष्टीकडे लक्ष घालायची काय गरज आहे. सत्ता गेली पहाटेपासून, पहाटेच्या अंधारातली, तेव्हापासूनचं भाजपचं जे काही तडफड आहे ही तडफड भाजपच्या अध्यक्षाच्या वतीनं जाणवते आहे. काँग्रेसजवळ इतिहास पण आहे आणि भूगोल पण आहे हे येणारा काळ सांगेल. कराटे असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र की ओर से दिनांक 27 से 28 मार्च 2022 को बारामती में आमंत्रित राज्य स्तरीय उप मुख्यमंत्री चषक का आयोजन किया गया था जिसमें गढ़चिरौली का नेतृत्व करते हुए आष्टी के अल्ट्रा फाइट जोन की कुल 16 खिलाड़ियों ने सहभाग लिया. गढ़चिरौली ने कुल मिलाकर 6 गोल्ड, 9 सिल्वर, 8 ब्रॉन्ज ऐसे 24 मेडल प्राप्त किए. इसमें रुद्रांश केंद्रे 1 गोल्ड, 1 सिल्वर, मिथाली नेताम 1 गोल्ड, 1 सिल्वर, श्रावणी पोहनकर 1 गोल्ड, 1 सिल्वर, आर्ची मुलकलवार 1 गोल्ड, अंशुल निमसरकर 1 गोल्ड, 1 ब्रॉन्ज, तन्वी कुबड़े 1 गोल्ड, अथर्व चांदेकर 1 सिल्वर, शशांक वैद्य 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज, ध्रुव बामनकर 2 ब्रॉन्ज, अंशु 1 ब्रॉन्ज, शौर्य खरडीवार 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज, तेजल मडावी 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज, गुंजन पांडे 1 ब्रॉन्ज, अर्जुन बेलसरे 1 ब्रॉन्ज. ऐसे इन खिलाड़ियों ने अपना और अपने जिले का नाम ऊंचा किया है. इन खिलाड़ियों ने अपना जीतने का श्रेय श्री माननीय विनय बूढ़े सर, शहबाज शेख सर और अजीत मंडल सर एवं माता पिता को दिया है. आष्टी शहर में आते ही आष्टी पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक कुंदन गावंडे की ओर से जीते हुए बच्चों को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत और अभिनंदन किया है. वीकेबी न्यूज के लिए गढ़चिरौली से गणेश सिंगाड़े की रिपोर्ट. शिवसेना ने गंदे पानी की समस्या को छुड़ाने के लिए मनपा जोन डेलीगेट रत्नाकर पंचभाई को नए नल मीटर लगवाने व पुराने स्थगित नल मीटर बिल भूखंड प्लाट धारक को 2000 रुपए में नए मीटर बिल लगाकर देने का निवेदन देकर नारेबाजी करके घेराव किया. शिवसेना नगर सेवक बंडू तलेकर उप जिला प्रमुख के नेतृत्व में प्रभाग क्रमांक 3 यशोधरा नगर संगम नगर में OCW में
नई पाइपलाइन 2 महीने पहले के डाल कर रखी है और पुरानी नल पाइपलाइन बंद करके पानी की समस्या को छुड़ाने सैकड़ों महिलाओं ने मनपा आशीनगर जोन क्रमांक 9 OCW कार्यालय में शिवसेना महिलाओं द्वारा नारे निर्देशन किए व निवेदन देकर घेराव किया गया। मारुति शोरूम चौकतला साहब तसे ते अवैध कनेक्शन घेऊनच राहिले बरोबर आहे अवैध अवैध कनेक्शन घेऊन राहिले त्यांच्याकडे मीटर नाही आहे तरी ते चोरीने करून राहिले साहेब म्हटलं तुम्ही एक काम करा जे लोक पैसे भरायला तयार आहे त्यांना 4 इंस्टॉलमेंट 5 इंस्टॉलमेंट दिल्या 6 इंस्टॉलमेंट मिळून दिल्या सर त्यांचं पेमेंट 60,000 पर्यंत 70,000 पर्यंत होतं ना। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा था कि विधायकों को घर की जरूरत नहीं है। इस पर बात करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। वहीं कांग्रेस विधायकों ने भी इस दिशा में कार्य करना शुरू कर दिया है। वहीं आगे बात करते हुए उन्होंने न्याय व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए। अब सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट है, न्याय व्यवस्था के बारे में बता नहीं सकते, लेकिन न्याय व्यवस्था के बारे में जो संशय लोगों के मन में आना शुरू हुआ कि एक आदमी के लिए एक न्याय और दूसरे के लिए दूसरा न्याय, ये न्याय व्यवस्था के लिए अच्छी बात नहीं है और मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारा सुधार भविष्य में आएगा। शरद पवार जी ने जो MLAs के मकान के बारे में बात की उसका समर्थन हम करते हैं और कांग्रेस के भी MLA ने लिख के देना शुरू कर दिया कि हमें वो मकान नहीं चाहिए। सीटों के अंतर्गत आने वाले आशा व गट प्रवर्तक कर्मचारियों तथा किसान यूनियन ने संयुक्त रूप से रामटेक तहसील कार्यालय के सामने दोपहर 12 बजे जोरदार प्रदर्शन किया। आगामी 28 और 29 मार्च को देश भर के कामगार संगठन ने संयुक्त रूप से देश भर में प्रदर्शन करने का आह्वान किया, जिसके समर्थन में रामटेक तहसील में जोरदार प्रदर्शन किया गया। जीवनावश्यक वस्तु के दामों में वृद्धि के कारण किसानों को पेंशन तथा कम से कम वेतन तथा और भी जरूरतों को केंद्र सरकार ने लागू करना चाहिए, ऐसा यूनियन लीडरों का कहना था। इस मोर्चे में यूनियन के अध्यक्ष दमयंती सलामी, सचिव कल्पना हटवार, इन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया। वहीं किसान मजदूर यूनियन का नेतृत्व जिला अध्यक्ष भीमराव गोंडवा ने और किसान सभा का नेतृत्व राजू हटवार ने किया। इस दरमियान बड़ी संख्या में यूनियन के लोग मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट सुषमा मर्जीवी के साथ आशिका चौहान, VKB न्यूज। एक श्रमिक संगठन को ठेकेदार के रूप में वर्गीकृत करते समय वित्तीय क्षमता का प्रमाण पत्र यानी क्रेडिट प्रमाण पत्र श्रम संघ या सहकारी समितियों के जिला उप रजिस्ट्रार, यवतमाल, लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और आदिवासी विभाग का एक स्वतंत्र सरकारी निर्णय है। इसके अलावा टेंडर प्रबंधन के लिए जिले के सभी शासकीय विभाग, मजदूर संघ व जिला उप पंजीकीय की मिली भगत से प्रत्येक कार्य के लिए कार्य का नाम दर्ज कर श्रमिक संगठन के क्रेडिट प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, जिसके चलते सरकार को आर्थिक रूप से लूट कर जिले के विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारी, जिला मजदूर संघ के अध्यक्ष और जिला उप पंजीयन धनी और लालची होने का मामला सामने आया है। इसका ताजा उदाहरण है ई निविदा सूचना संख्या 4 एवं 5 जिला जल संरक्षण अधिकारी यवतमाल द्वारा आमंत्रित विभिन्न सरकारी निर्णय। यह बताते हुए जारी किए गए हैं कि यह शर्त निविदा से संबंधित नहीं है और यह शर्त किसी अन्य में नहीं है। यवतमाल जिले को छोड़कर जिले में साहेब ने जिला टीम से हाथ मिलाया और सरकार को भारी आर्थिक नुकसान पहुँचाया, साथ ही प्रतिस्पर्धी निविदाओं को अस्वीकार कर दिया गया था। जिला संघ द्वारा अपने श्रमिक संगठन को दिए गए प्रमाण पत्र में माननीय जिला कलेक्टर की बैठक का जिक्र किया गया है, लेकिन जब अमित देशमुख ने RTI में जानकारी मांगी तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है कि जिलाधिकारी ने ऐसी कोई बैठक नहीं की है। निविदा खुलने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि एक ही श्रमिक संगठन के साथ साथ दोनों निविदाओं में सभी 7 कार्यों को 0% की दर से पूरा किया गया है। इसमें जिला जल संरक्षण अधिकारी के साथ साथ उनके वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल है। सरकार के निर्णय के अनुसार नीति निविदा में दमनकारी स्थितियां नहीं डालने की है, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, लेकिन यहां तक कि वरिष्ठ अधिकारी ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के शर्तों को मंजूरी दे दी है। संबंधित विभाग के सचिव को शिकायत देने के बाद भी आज तक इस पर ध्यान नहीं दिया गया। कामे मैनेज करता या अगोदर या संस्थेला कोणतीही कामे देण्यात आलेली नाहीत मधुर संस्थेला, हे माझं पहिलं उत्तर आहे। अच्छा, दुसऱ्याच्या काही पद्धतीची अट अगोदर नव्हती, आता या निविदेमध्ये अट कशी याबद्दल सांगाल असं काहीतरी आहे। हो बिलकुल, तर
प्रत्येक मजूर संस्थेला त्यांच्या वार्षिक मर्यादेत 100 लाख रुपयेपर्यंतचीच कामे करण्याची आहे. त्याच्यानंतर आर्थिक पात्रता त्या मजूर संस्थेची असणे याबाबत प्रमाणपत्र आपण एकतर जिल्हा दुय्यम निबंधक यवतमाळ किंवा मजूर सहकारी संघ यवतमाळ यांच्याकडून पदधारीची अट देण्यात आलेली आहे. त्याच्याशिवाय त्या मजूर सहकारी संस्थेची आर्थिक पात्रता सिद्ध होत नाही. पुढचा प्रश्न आहे, प्रत्येक कामावर 3 एस्टेंडर आले हे तक्रारकर्त्यांचे म्हणणे सिद्ध झाले. या कामामध्ये सदर याच्यामध्ये 4 निविदा प्राप्त झालेल्या असून चारही 4 निविदाकारांनी भाग घेतलेला असून सदर निविदा ही पूर्णपणे ई निविदा प्रक्रियेनुसार राबविण्यात आलेली आहे. ऑनलाईन प्रक्रियेद्वारे ज्यांनी टेंडर सबमिट केले त्यांचे निविदाकारांचेच ते निविदाकार म्हणून त्यांना हे करण्यात आलेलं आहे. नियमबाह्य मुदत वाढ टेंडर या बाबतीत सदर निविदा ज्या दिवशी बंद करायची होती त्या दिवशी फक्त निविदेसाठी एकच निविदा प्राप्त झालेली होती त्या दिवशी, म्हणून सदर याच्यात मिनिमम 3 बिडर असल्याशिवाय आपण निविदा हे करू शकत नाही म्हणून त्यांना मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे त्या दिवशी. बीकेबी न्यूज के लिए यवतमाल से अजित महेंद्रे की रिपोर्ट. बीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में फिलहाल के लिए इतना ही. ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीकेबी न्यूज. नमस्कार.